नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्रेजी और मोहम्मद कैफ, जो भारत के पूर्व खिलाड़ी जबरदस्त फील्डर रह चुके हैं और भारत के लिए जबरदस्त क्यादत कर चुके हुए हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है केएल राहुल के बारे में। उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है ये चलकर आपको बताते हैं। केएल राहुल के बारे में उन्होंने कहा कि भारतीय टीम को, भारतीय मैनेजमेंट को केएल राहुल को एज अ रिजर्व विकेट कीपर के तौर पर खिलाना चाहिए, एज अ बैकअप विकेट कीपर के तौर पर खिलाना चाहिए रादर देन मेन विकेट कीपर के तौर पर खिलाने से। उन्होंने कहा कि केएल राहुल को अगर हम मेन विकेट कीपर के तौर पर हर मैचेस में खिलाएंगे तो उनको इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि केएल राहुल भारतीय टीम के मुख्य खिलाड़ी हैं और उन पर बल्लेबाजी का काफी दारोमदार है भारतीय बल्लेबाजी का। चलिए, उन्होंने एक चीज और ऐड करी। उन्होंने ये कहा कि ऋषभ पंत को टीम मैनेजमेंट को बैक करने की जरूरत है और इस वक्त ऋषभ पंत ही भारत के मेन विकेट कीपर हैं। सो ऋषभ पंत को आपको मेन विकेट कीपर के तौर पर खिलाना चाहिए और केएल राहुल को एज अ बैकअप विकेट कीपर आपको खिलाना चाहिए। उसके बाद आपको थोड़ा और बता देता हूं, दूसरी खबर की तरफ ले चलता हूं। सुरेश रैना ने लाइव सेशन में बातचीत के दौरान एक चीज बताई महेंद्र सिंह धोनी के बारे में। उन्होंने जिक्र किया कि महेंद्र सिंह धोनी काफी लंबे लंबे छक्के मार रहे हैं और काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे आईपीएल होने का और आईपीएल के तर्ज पर भारतीय टीम में वापस आने का। हालांकि धोनी की तरफ से अभी आधिकारिक तौर पर कोई भी इस बात की पुष्टि नहीं हुई, बातचीत नहीं हुई कि वो भारत में कमबैक करने के सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं, T20 वर्ल्ड कप का सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं। अभी तक धोनी की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट उनके सोशल प्लेटफॉर्म या सोशल मीडिया से नहीं आई है। लेकिन सुरेश रैना ने एक चीज कही कि युवराज सिंह ने एक्चुअली कुछ दिन पहले रोहित शर्मा से लाइव सेशन में बातचीत करते हुए कहा, जब रोहित शर्मा ने पूछा कि उस वक्त के सीनियर में और आज के जो सीनियर्स हैं या उस वक्त और आज के टाइम पे क्या फर्क दिखा हुआ आपको बेसिकली, तो युवराज सिंह ने कहा कि उस वक्त जो सीनियर होता था वो जूनियर से बात करता था, जूनियर को समझाता था कि तुम ये चीज़ गलत कर रहे हो। आज क्या है कि लोगों का मोटिव आईपीएल खेलना हो गया, आज लोगों का मोटिव जल्दी जल्दी पैसे कमाना हो गया है। उस वक्त के सीनियर्स बेसिकली गाइड करते थे। रैना ने इस बात से एग्री करा कि उस वक्त के जो सीनियर्स होते थे, जैसे वीरेंद्र सहवाग ने उन्हें बताया था कि तुम पैसे अगर कमा रहे हो तो कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, किस तरीके से उस पैसे का सही इस्तेमाल करना चाहिए। आज के वक्त में भी जो सीनियर खिलाड़ी हैं उन्हें जूनियर्स को ऐसी ही सबक, ऐसी सीख देनी चाहिए और कैप्टन को यानी कोहली को बहुत ज़्यादा ऋषभ पंत से बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऋषभ पंत को कप्तान की पैकिंग की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त ऋषभ पंत रडार में है, काफ़ी पोटेंशियल है, काफ़ी टैलेंट है, बहुत सारी नज़रें उनके ऊपर गड़ी हुई हैं, सारे फैंस उनसे उम्मीदें लगाकर बैठे हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कप्तान जाए और उनसे बात करें, उन्हें समझाएं कि क्रिकेट है और इसमें होता रहता है, इसमें अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, आप अपने आप को बैक करो और अपना नेचुरल गेम खेलो। उम्मीद करता हूँ ये दो अलग अलग रिपोर्ट्स आपको पसंद आई होगी। रिपोर्ट्स अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें, क्योंकि जब आप बेल आइकन की घंटी दबाते हैं तो जो भी वीडियोस हम स्पोर्ट्स क्रेजी के यूट्यूब चैनल पर डालते हैं वो सारी वीडियोस आप तक पहुंच जाती है। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, शबा खैर।